written as a 1 by 2 into na, right? अब 1 by 2 मतलब ही कितना होता है? 0.5 na. तो मैच हो रहा है 0.5 na. मतलब ये इसके साथ मैच हो रहा है. क्लियर है? हाँ सर. और अभी मैंने मोल निकाला था. मोल कितना था हमारा? कितना निकला था? वन. और यहाँ कितना मोल दिया हुआ ऑक्सीजन का? टू. मतलब ये मैच किया? नहीं नहीं नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. नथिंग इज डिफिकल्ट. बस कंसेप्ट के हिसाब से आपको सोचना है. ठीक है? मैंने जानबूझ के आप लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन न देते हुए पूरे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन जानबूझ कर दिए. ठीक है? देन ये सिर्फ बताने के लिए कि कोई भी चीज डिफिकल्ट होती है बहुत ही आसान होती है. बस हम लोगों को उसको अप्लाई करना आना चाहिए. और आपको अप्लाई करना तभी आएगा जब आप मैक्सिमम लेवल पर इसकी प्रैक्टिसिंग करेंगे. क्लियर है? और कोई क्वेश्चन या और कोई डिफिकल्टी है सर? कौन सा? एट वाला. ओके. अब यहाँ पर भी कंसेप्ट अप्लाई करो आप, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा. So, eighth वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? If the atoms from 4.4 ग्राम ऑफ, मतलब सबसे पहले हम गिवन डेटा में देख लेते हैं कि भाई मेरे पास क्या क्या चीजें दी हुई है. ठीक है? सो लेट्स कलेक्ट द गिवन डेटा. तो गिवन में सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? नंबर वन दिया हुआ है 4.4 ग्राम ऑफ CO2. देन नंबर टू क्या दिया हुआ है? 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5. देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 0.2 मोल्स ऑफ CO. एंड फाइनली चौथी चीज क्या दी हुई है? 1.12 लीटर ऑफ SO2. ठीक है? ये चार चीजें दी हुई है. और अब क्वेश्चन समझो, इन लोगों ने क्या बोला है कि इनमें जितना भी ऑक्सीजन होता है, ओके, इन सारी चीजों में से ऑक्सीजन को मैंने निकाल दिया. ओके, इसमें जितना भी ऑक्सीजन होता है इन सब में से मैंने ऑक्सीजन को निकाल दिया है. और फिर इस ऑक्सीजन को निकाल कर मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनवा लिया. क्या बनवा लिया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनवा लिया. हाँ. और ये फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम कितना रहेगा, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा है. समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर. ओके. मतलब ये क्वेश्चन मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ. मेरे पास चार बैग्स हैं. चार बैग्स में मेरे पास दो दो चीजें हैं. दो दो चीजें मतलब जैसे एक ए नाम की चीजें हैं और फिर इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है, इसमें ए और डी है, इसमें ए और ई है. समझ में आ रहा है? ओके. अब ये कितना है मुझे नहीं पता. ये कितना है मुझे नहीं पता. अभी दिखाने के लिए मैंने दो दो निकाले हुए, बट कंसिडर
आपको नहीं पता इसमें कितने ए है और कितने बी है, क्लियर है? डन। फिर मैं क्या करूंगा, इन सब में से ए निकालूंगा। जैसे इसमें दो ए दिख रहे तो दो ए, इसमें से भी दो ए दिखाई दे रहे तो दो ए, इसमें भी दो ए निकाल दिए, और इसमें से भी कितने ए निकाल दिया मैंने, दो ए निकाल दिए। और फिर इन दोनों चार ए को मिलाकर मुझे ए टू बनाना है, तो कितने ए टू बनेंगे मेरे पास बताइए, कितने ए टू बनेंगे? फोर, फोर चार ए टू बनेंगे, राइट? तो यही वो क्वेश्चन पूछा है। और फिर इन्होंने बोला है ये फोर ए टू का वॉल्यूम कितना रहेगा, क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने रिमूव किसको किया हुआ है, ऑक्सीजन एटम को किया हुआ है। इन सब में से इन्होंने रिमूव किसको किया हुआ है, ऑक्सीजन एटम्स। अब एटम्स है, एटम्स मतलब क्या है, एटम्स आर नथिंग बट अ नंबर ऑफ, एटम्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, पार्टिकल्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सारी चीजें दी ना इन सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फाइनली हमको ऑक्सीजन एटम रिमूव करना है ना, हाँ। तो सबको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट दिक्कत ये है कि आपको पता है कि ये वेट है, वेट को हम डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये पार्टिकल्स है, तो इसको तो कोई इशू नहीं जाना है, बराबर है? यहाँ पर क्या दिया है, मोल्स दिया, तो यहाँ मोल्स को हम किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, बराबर पार्टिकल्स में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अभी यहाँ पर मतलब पहले के लिए ये मोल्स पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे इस चीज को, मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब मोल हमको दिया क्या है, वेट दिया हुआ है, तो मोल को अगर हमको निकालना है वेट से तो हम उसको डिवाइड करते हैं किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। हाँ तो बताओ वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4.4 ग्राम। 4.4 ग्राम है बेटा, 44 नहीं है, 4.4 ग्राम दिया है, ठीक है? और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 ग्राम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा, बराबर है? तो ये मुझे मिल गया मोल, लेकिन जैसे कि हमने कहा है हमको सब चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, बराबर है? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट यहाँ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने मतलब ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने है, किससे निकालते हम वो, मोल से। तो मोल को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय एन ए, बराबर है? तो मोल कितना आया था मेरा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एन ए, क्लियर है? हाँ सर। ओके, लेकिन एक्चुअल में आपने इसमें से क्या निकाले हुए हैं, ऑक्सीजन एटम्स। तो अभी हम थर्ड चीज क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे करेंगे वो, जैसे मैंने अभी बताया था एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, 2.2 एटम्स दिखाई दे रहे, बराबर है? तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास,
0.1 Na। तो इसमें से कितने एटम्स रहेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.2 Na 2 Na। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हमने कितने निकाले थे, 0.1 Na, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना है, 2 है। तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0.2 Na। समझ में आ रहा है, समझ में आया ये? हाँ सर। तो क्या रखना है कि भाई मैंने CO2 में से कितने ऑक्सीजन आइटम निकाले हैं, 0.2 Na। ठीक है, अब हम सेकंड वाली चीज पर जाते हैं। सेकंड वाली चीज में क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करना है, मतलब डायरेक्टली ये वाली चीज हम अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं, N2O5 6.022 10 0.022 इंटू 10 to the power 22 22 है या 23 है, वो 22 है या 23, अच्छे से देख लो, 22 है क्या, 22 ही है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लेंगे हम लोग, 5 तो कितना आंसर आ रहा है बताइए अभी, फिर कितना हो जाएगा वो, अगर मैं इसको Na में कन्वर्ट कर रहा हूँ, Na में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 to the power 23 चाहिए, मतलब एक और 10 मुझे लाना पड़ेगा ना, छोड़ो वो अभी है नहीं तो कहां से लेंगे, इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। ठीक है, कैसे, 6.022 इंटू 10 to the power 22 इंटू 5 ऐसे लिख लेता हूँ। क्लियर है? अब नेक्स्ट से 0.2 मोल्स ऑफ CO, इसको भी मुझे एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मोल दिया हुआ है, और मोल दिया हुआ है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स, पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे ना, CO क्या है, व्हाट इज CO, CO इज अ मॉलिक्यूल, पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे CO का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO कैसे निकालेंगे, मोल इनटू Na, मोल दिया हुआ है, दिया हुआ है 0.2 है, बराबर है, समझ में आ गया? हाँ। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी मैंने निकाला, कितना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 0.2 Na है, क्या है वो 0.2 Na मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल, इसमें कितना है ऑक्सीजन एटम, 1 है, मतलब आंसर क्या होगा, 0.2 क्या होगा इसका आंसर, 0.2 Na ही हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर।
अब हम सोचते तो ये क्या चीज है, ये क्या दिया हुआ है आप लोग को, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। तो भाई अब आपको पता है वॉल्यूम में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने, बस नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। बताओ अभी मोल मुझे निकालना है वो भी वॉल्यूम से, तो मैं कैसे निकालूंगा, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर से। तो भाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वहां पर, 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 कितना, 20 आता क्या, 1/20 आता क्या, मेरे को तो लगा 1/2 आता है, 1/2 भी नहीं आता उसका आंसर, 1/2 समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो ये मेरा मोल आ गया, अब मोल के बाद में मॉलिक्यूल निकालूंगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे मोल को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, Na से। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0.0. अब मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मल्टीप्लाई कर देने का नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ वन मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं मेरे, 0.05 Na, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 0.1 Na। समझ में आ रहा है, डन। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा, 0.1 Na। ओके, तो ये सब मैंने क्या निकाले, ऑल दीज आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स निकाले, समझ में आ रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सारे नंबर ऑफ आइटम्स को मैंने इन लोगों से निकाल दिया और इनको ऐड किया गया, तो आप सबसे पहले इन लोगों को क्या करेंगे अभी, एडिशन। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई Na, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एडिशन करना है भाई, है ना। तो अब Na की वैल्यू डाल देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिक्कत जा रही है ना, क्योंकि 10^23 नहीं है, समझ में आ रहा है क्या वो, नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू डालकर इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा वो, 0.2 × 6.022। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए, मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। इसको आपको प्लस करना है किसके साथ में, 5 × 6.022 × 10^22 के साथ, और इसको भी प्लस करना है फिर आगे जाकर आपको किसके साथ, 0.2 × Na मतलब 6.022 × 10^23 से, और फिर इसको प्लस करना है इससे, मतलब किससे, 0.1 × 6.022 × 10^23 से, समझ में आ रहा है। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इसका आंसर जो भी आ जाएगा कंसीडर कीजिए, इसका क्या आंसर आ गया, एक्स आंसर आ गया, ओके। बट आपको बनाना क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, बनाना क्या है आपको, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। जो टोटल किया है ये किसका टोटल है, ऑक्सीजन एटम का, समझ में आ रहा है, किसका टोटल किया हुआ है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसमें ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहा है, 2 बराबर है। तो हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। और हमने कितने एटम्स निकाले थे ऑक्सीजन के, कितने एटम निकाले थे, एक्स एटम ये निकाला था, एक्स मतलब आंसर जो हमारा आया था,
अब हम इसको क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर हमारा आंसर जो भी आ जाएगा, ठीक है, देन जो भी आ जाएगा आंसर, कंसीडर करो मेरा आंसर क्या आ गया, वाई आ गया, क्या आंसर आ गया मेरा, अभी वाई जो आंसर आ गया वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाई विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोगों को सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपको सवाल क्या पूछा है, ये इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे आया ना? हाँ सर। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स, मोल्स में, किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में, बट वो आप डायरेक्टली कर नहीं, डायरेक्टली मतलब आप पहले इस मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में, मोल में, और फिर इस मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम में, समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखिए आधा मैंने करवा दिया है, अब बचा हुआ पार्ट आप कर लोगे? हाँ सर। अच्छा आ गया ना आपको, अभी क्या क्या करना है तो? हाँ सर। गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछिए अगर कोई दिक्कत हो तो। हो गया ना शायद? हो गया सर। देखिए अभी आपको क्या करना है, डीपीपी 2, 3, 4, 5 जितने भी डीपीपी है सब सॉल्व करो, क्योंकि कल संडे है ना। हाँ सर। बढ़िया से डीपीपी सॉल्व करते हुए आराम कर लीजिएगा, ठीक है, कल छुट्टी है, ठीक है, तो कल पूरा का पूरा क्या हुआ बेटा, फोर्थ तो फिफ्थ डिफरेंट कंसेप्ट कुछ तो भी है तो वो आपने सिखाया नहीं है ना। एक मिनट रुक जाओ, चेक आउट नहीं उसमें है ना, फोर्थ में कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है सर, फिफ्थ तो पूरा नहीं है। हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला जा रहा है, बराबर है, ठीक है, एक काम करो डीपीपी नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लो, 4 और 5 छोड़ दो, ठीक है। हां सर। ओके, ठीक है, चले फिर मिलते हैं परसों, ठीक है, और किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो ना तो बेहिचक मुझे या तो व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दो, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए, बाय, थैंक यू।